नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, क्रोध एवं संयम। क्रोध यानी कि गुस्सा एवं और संयम यानी कि धीरज। ठीक है, तो जब हमें कभी किसी बात पर गुस्सा आता है तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत होकर धैर्य धारण करना चाहिए। तो किस तरह से, अब मैं आपको बताऊंगी, ये एक कहानी है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा। एक बार श्री कृष्ण, बलदेव एवं सात्यकी रात्रि के समय, यानी रात के समय, ये तीनों श्री कृष्ण, बलदेव और सात्यकी रात्रि के समय रास्ता भटक गए, यानी कि जहां वो जा रहे थे रास्ता भूल गए। सघन वन था, यानी घना जंगल था, न आगे राह सूझती थी न पीछे लौट सकते थे, यानी वो रास्ता भटक गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। निर्णय हुआ कि घोड़ों को बांधकर यही रात्रि में विश्राम किया जाए। उनके साथ घोड़े थे तो उन्होंने सोचा कि रात को यहीं पर विश्राम किया जाए रुककर, और तीनों बारी बारी से जाकर पहरा देवेंगे। ठीक है, सबसे पहले सात्यकी जागे और शेष दोनों सो गए। शेष कौन? श्री कृष्ण और बलदेव। ठीक है, एक पिशाच पेड़ से उतरा। पिशाच यानी भूत प्रेतों को क्या कहा जाता है बेटा? पिशाच। एक पिशाच पेड़ से उतरा और सात्यकी को मल्लयुद्ध के लिए ललकारने लगा। मल्लयुद्ध होता है बेटा कुश्ती। ठीक है, पिशाच की ललकार सुनकर सात्यकी को क्रोध आ गया, दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, यानी दोनों में कुश्ती होने लगी। सात्यकी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको, उसके जो ललकार थी उसको स्वीकार कर लिया और दोनों युद्ध करने लगे। जैसे जैसे पिशाच को क्रोध आता, यानी कि जो भूत था उसको क्रोध आता, सात्यकी दुगने क्रोध के साथ युद्ध करने लगते तो सात्यकी को और गुस्सा आ जाता। इसके फलस्वरूप पिशाच का आकार बढ़ता जाता, यानी भूत जो है वो और बड़ा हो जाता। जैसे जैसे उसको गुस्सा आता वो और बड़ा होता जाता। मल्लयुद्ध में सात्यकी को बहुत चोटें आई। एक प्रहर बीत गया, यानी जो तीनों ने समय बांटा हुआ था उसमें से एक समय बीत गया। अब बलदेव के जागने का समय हो गया था। सात्यकी ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया और सो गए। अब सात्यकी के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने उन्हें नहीं बताया और बलदेव पहरा देने लगा। बलदेव को भी पिशाच ने ललकारा और मल्लयुद्ध का आमंत्रण दिया, यानी कि दोबारा से कुश्ती करने के लिए उसने कहा। पिशाच की ललकार सुनकर बलदेव से भी न रहा गया और वे भी क्रोध पूर्वक पिशाच से भिड़ गए। लड़ते लड़ते एक प्रहर बीत गया, फिर से दूसरा प्रहर भी बीत गया, उनका भी सात्यकी जैसा ही हाल हुआ। अब श्री कृष्ण जी के उठने का समय हो चुका था। बलदेव ने भी श्री कृष्ण को कुछ न बताया और वे भी सो गए। श्री कृष्ण जी के पास भी पिशाच की मल्लयुद्ध की चुनौती आई। अब पिशाच ने क्या किया, श्री कृष्ण को भी मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। पिशाच जितने अधिक क्रोध में श्री कृष्ण को संबोधित करता, श्री कृष्ण जी उतने ही शांत भाव से मुस्कुराकर उत्तर देते, जिसके क्योंकि जैसे जैसे पिशाच को गुस्सा आता, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा, क्या किया, गुस्सा नहीं किया और वो शांत भाव से रहे, तो जिसके फलस्वरूप पिशाच का आकार घटता जाता। अंत में पिशाच का आकार एक कीड़े जितना रह गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पटके के छोर में बांध लिया। ठीक है, यानी जो उनका पटका था उसके किनारे पर बांध लिया। प्रातःकाल सात्यकी, यानी सुबह सात्यकी और बलदेव ने अपनी दुर्गति की कहानी, जो उनके साथ हुआ था, की कहानी श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस कीड़े को दिखाते हुए कहा कि वह क्रोध रूपी पिशाच था, कि जो गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा था तो उसका रूप बढ़ता जा रहा था आकार, लेकिन जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत हो रहा था तो उसका आकार छोटा हो गया। जितना तुम लोग क्रोध करते थे उसका आकार उतना ही बढ़ जाता था, परंतु जब मैंने उसके क्रोध का प्रतिकार क्रोध से न करके शांत भाव से किया तो वह हतोत्साहित होकर दुर्बल और छोटा हो गया। अतः क्रोध पर विजय पाने के लिए संयम से काम ले। ठीक है बेटा, तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना और शांत भाव से, शांति से हमें हर बात का हल निकालना है। ठीक है बेटा।